हम यहाँ पर एक बेसिक डिस्कशन मॉड्यूल पे लेके चलेंगे। साइकोलॉजी टेस्ट में व्हाट इज़ माय परसेप्शन दैट व्हाट्स एवर आई एम स्पीकिंग इट इज़ अप टू माय साइकोलॉजी एंड आई शुडंट एक्सपेक्ट कि सच थिंग्स आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर योर साइकोलॉजी टू। आपकी कंडीशंस मेरी साइकोलॉजी के अनपैरेलल है सो दैट इवन सर्टन पीसेज ऑफ एडवाइजेज इट इज़ नॉट वर्दी। तो इसी बेसिस पर जो है मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट पे एक थोड़ा सा एक मेट टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स इन दैट। सो जैसे कि हमें साइकोलॉजी टेस्ट करना है तो व्हाट आर द सेक्शंस विच आर कवर्ड इन द साइकोलॉजी टेस्ट। क्या होता है साइकोलॉजी टेस्ट में? टैट होता है, वैट होता है, एसआरटी होता है, एसडीटी होता है। टैट का मतलब होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। टीएटी का क्या मतलब होता है? थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इसमें हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। एसएसबी में दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका पीपीडीटी और एक होता है टीएटी। टीएटी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पीपीडीटी एंड टीएटी? पीपीडीटी में इमेजेस होते हैं ब्लर, ब्लर इमेजेस होते हैं, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, इसमें हमारे पास इमेजिनेशन चाहिए। लेकिन टीएटी के इमेजेस होते हैं क्लियर, तो यहाँ पर हमें आइडिया चाहिए। तो यो दो वर्ड को कभी नहीं भूलना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन और आइडिया। ये दोनों में अंतर क्या हुआ? आइडिया इमेजिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी ऐसा लिखिए जो कि पॉजिटिव है और जिसमें आपके कैरेक्टर के हीरोइज़म को समझा जा सकता है। और टीएटी का क्या मतलब हुआ? टीएटी का मतलब ये हुआ कि आपको जो कंडीशन दी गई है उसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करना। वेयर एज इन पीपीडीटी आपके पास कोई ऐसा परसेप्शन बन ही नहीं रहा है क्योंकि पिक्चर तो है ब्लर और हेजी। सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीडीटी इज़ टू टेस्ट योर इमेजिनेशन पावर ओनली। इमेजिनेशन कैसा होता है इसमें? इमेजिनेशन करके कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना। इमेजिनेशन में क्या होगा, मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर परसीव करना है जो अपने एक्शन को वो पॉजिटिव लेता है इसमें, और वो पॉजिटिव एक्शन जो है रीजनेबल लॉजिकल होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है इसमें स्टोरी के राइटिंग फॉर्मेट में, स्क्रीनिंग में खासकर, कभी भी मल्टीपल वर्ड यूज़ नहीं करना है। वर्ड लिमिट को छोटा रखना है। अच्छा, ये वर्ड लिमिट को छोटा करें इसका क्या रीज़न है? लेंथियर स्टोरी लिखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, आइडियाज़ ज़्यादा आ जाएंगे हमारे पास इमेजिनेशन ज़्यादा पावर दिखेगा इसमें। फिर हम छोटा क्यों लिखें? यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज़ यू राइट अ लेंथियर स्टोरी, तो लेंथियर स्टोरी को आपको 40 सेकंड्स में नरेट करना होगा। इज इट क्लियर? तो 40 सेकंड्स में जब लेंथियर स्टोरी को नरेट करेंगे इसमें, तो बहुत बार फंबलिंग करेंगे, सोचेंगे ये बोला था कि नहीं, ये बोला था कि नहीं। वेर एज इफ़ यू राइट शॉर्टर स्टोरी, शॉर्टर एंड कम्प्लीट स्टोरी, तो आपको 40 सेकंड्स का टाइम उस स्टोरी को लिखने से ज़्यादा मिला है। तो यानी कि आप अपने उसमें आइडियाज़ को और अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मेन क्रक्स ऑफ द सॉल्यूशन है या आपने जो इमेजिनेशन परसीव किया है उसको एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है जो लिखा है आपने वो। तो सो दैट पीपीडीटी में हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि हमें स्टोरीज़ के लेंथ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। अगर आपने बढ़ाया तो उसको पूरा नरेट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। वेर एज इफ़ यू राइट इन द शॉर्टर फॉर्म, तो आप स्टोरी को नरेट भी करेंगे और अपने आइडियाज़ के साथ जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, यानी कि आपके पास जो है वर्बल कम्युनिकेशन को शो करने का टाइम मिलेगा। लेकिन लेंथियर स्टोरी होगा तो आप सिर्फ नरेट के चक्कर में रह जाएंगे इसमें, और बहुत सारा सेक्शन जो है आपकी फंबलिंग में चला जाएगा, अरे वो नहीं बोला था, ये भूल गया मैं, ये भी लिखा था इसमें। डू नॉट कम इन दैट ट्रैप। तो यहाँ पर हमें पीपीडीटी के स्टोरी में इस बात का ध्यान रखना है।